Hello viewers, welcome back to another episode of Creative Soul Priyakshi. आज की वीडियो में आप लोगों को एंटिक विक्टोरियन डेकोरेटिव प्लेट या वॉल प्लेट बनाने के लिए सिखाऊंगी। आप लोग कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आज से मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि हिंदी हम लोगों का राष्ट्रभाषा है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझ पाते हैं। और हिंदी में वीडियो बनाने से मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आसाम से हैं और हिंदी हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, इसीलिए कहीं कोई गलती हो जाए या गलत हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंटिक डेकोरेटिव प्लेट बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा क्राफ्ट स्टिकर्स, पेंट ब्रश, ग्लू, पेन नाइफ इज ऑप्शनल। स्टिकर्स को रिमूव करने के लिए पेन नाइफ चाहिए और चाहिए होगा गोल्डन कलर एक्रेलिक पेंट। और चाहिए होगा पुराने कपड़े या टिश्यू पेपर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक प्लेन वाइट सेरामिक प्लेट। सभी मटेरियल्स का सोर्सेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग कृपया देखिएगा। पहले आप केयरफुली हाथ से या पेन नाइफ की मदद से स्टिकर्स को रिमूव कीजिए, जैसे मैंने दिखाया है। केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो स्टिकर्स फंस जाएंगे। अभी प्लेट को पुराने कपड़े से या टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए। उसके बाद एक पुराने ब्रश से स्टिकर्स में ग्लू अप्लाई कीजिए और सारे स्टिकर्स प्लेट में पेस्ट कर दीजिए, जैसे मैंने दिखाया है। प्लेट को वॉल में हैंग करने के लिए ऐसा क्लिप ग्लू का मदद से फिक्स कर दीजिए प्लेट के पीछे में। ऐसा क्लिप लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अभी मैं गोल्डन एक्रेलिक पेंट से प्लेट का जो बॉर्डर है उसको हाईलाइट करूँगी। मैंने जो प्लेट लिया है उसमें पहले से कुछ पैटर्न बनाया हुआ है, मैं सिर्फ उन पैटर्न्स को गोल्डन कलर से हाईलाइट करूँगी। आप लोग कोई भी प्लेन वाइट सेरामिक प्लेट लेके उसमें इंटरनेट से देख के एंटिक विक्टोरियन पैटर्न बना सकते हो, या स्टेंसिल का मदद से भी कोई भी पैटर्न बना सकते हो। मुझे लकीली ऐसा प्लेट मिल गया था जिसमें पहले से ही कुछ पैटर्न बनाया हुआ है, मैं सिर्फ उनको गोल्डन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। एंटिक विक्टोरियन क्रॉकरीज में गोल्डन कलर का एक्सटेंसिवली यूज होता है और यही ये क्रॉकरीज का खासियत है। अभी मैं गोल्डन कलर से फ्लावर्स और लिप्स को भी थोड़ा हाईलाइट करूंगी। देखिए तो प्लेट देखने में कितना सुंदर लगा है। इसके बाद मैं पर्पल एक्रेलिक पेंट से डॉट्स बनाऊंगी
ताकि प्लेट देखने में और भी सुंदर बन जाए और भी पैटर्न खिल के उठे और प्लेट गॉर्जियस दिखे। Wow, the end result looks so beautiful. ऐसे ही मैंने और भी दो प्लेट बना के रखा है और अपने लिविंग रूम में सजाया है। देखिए तो देखने के लिए इतना सुंदर लगा है। आप लोग भी अपना पुराने सिरामिक प्लेट को ऐसे ही पेंट करके एक नया लुक दे सकते हैं और अपना लिविंग रूम में सजा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को या मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।